कहीं पे बैठ जाओ, देन पे योर 100% अटेंशन टू दिस लिस्ट एंड चेक ये लिस्ट का, स्पेशली जो टिक मार्क करके रखा है ये लिस्ट का, ऐसा कोई भी टोकन आप अभी भी अपना पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हो या नहीं। If you are still holding, then I have a very, very bad news for all of you, including me, क्योंकि ये वाला लिस्ट पे मैं भी शामिल हूँ। So let me read it out for you: Shiba, Saitama, Dogilon, Crypto.com, Gala, Sand, Hot, Matic, Shark, Kishaino, Akitaino, Phantom, Mana, ENZ, और भी बहुत सारा है, like SafeMoon, like Binance Coin, ऐसा बहुत सारे coins अभी भी second list पे आना बाकी है। कमेंट पे बोलना क्या क्या कॉइन इसमें से आप होल्ड कर रहे हो, एंड आई एम गोना शेयर द सीक्रेट बिहाइंड दिस लिस्ट। नाउ फ्रॉम मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिटकॉइन का चार्ट के हिसाब से फिर से अपना ट्रेंड ब्रेक किया है, विच इज नॉट एट ऑल अ गुड न्यूज फॉर बिटकॉइन एज वेल एज द एंटायर मार्केट। मैं सुबह ही, इवन कल रात को भी ये सेम पैटर्न अपना टेलीग्राम एंड ट्विटर हैंडल पे अपडेट कर दिया था कि लेट्स चेक कि कौन सा दिशा में ये ब्रेकआउट करता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। नाउ इट सीम्स लाइक वी आर ब्रेकिंग डाउन एंड विच इज नॉट एट ऑल अ गुड न्यूज फॉर मार्केट। सो मार्केट का ये हाल कब तक चलने वाला है, एंड साथ ही साथ जो आज का एक्सक्लूसिव अपडेट है कि मार्केट का ये हालत के पीछे क्या रीजन है, वो मैं आप लोगों को विथ प्रूफ दिखाने वाला हूँ टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड टू नो अबाउट ऑल दिस इनसाइड फैक्ट्स अबाउट दिस मार्केट। अ बिग हार्ट गोज फॉर कोटक महिंद्रा बैंक, since Kotak is the first major bank which breaks crypto ice with account for Wazirex. Remember, last 6 से 8 महीने तक ऐसा कोई भी major bank नहीं है जिसके through आप directly अपना Indian money, Indian currency, अपना cryptocurrency exchanges like Wazirex or CoinDCX Go पे transfer कर सको। Either you have to use a third party via MobiQuick, जहाँ पे आपको extra 1.5% टैक्स देना पड़ता है। बहुत चुभता है भाई, बहुत चुभता है, बेकार का ये टैक्स सीन। तो फाइनली कोटक ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, इवन Wazirex ने भी अपना KYC पेपर वर्क सब कुछ स्टार्ट कर दिया है। तो सून दे विल स्टार्ट देयर डायरेक्ट ऑपरेशन, मतलब आप अपना कोटक बैंक से अपना इंडियन मनी डायरेक्टली विदाउट वाया एनी थर्ड पार्टी लाइक MobiQuick और एनी अदर प्लेटफॉर्म, यू कैन डायरेक्टली सेंड योर मनी फ्रॉम कोटक फ्रॉम योर bank to your Indian cryptocurrency wallet. It is happening guys, it is revolving and it will save lot of your tax, but I'm not sure though ki kitna percent tax Kotak charge karega, but I believe ki at least jitna paisa hum MobiQuick ko pay karte the usse to kai guna kam hi pay karna padega. Kotak is like the new Jio. Remember 5 saal pehle jab data internet bahut expensive hua karta tha, tab Jio aaya tha with cheaper data. Now Kotak will get that entire market. जितना भी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर से हर कोई कोटक के तरफ अभी दौड़ के जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीक विद अ पॉजिटिव वाइब। एज एन इंडियन अभी मैं बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर फील कर रहा हूँ विथ माई क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो आई बिलीव कि आप सब लोगों के पास बिटमार्ट का जो हैकिंग वाला सीन है उसका न्यूज आ गया होगा। इवन मेरे पास भी था, बट आई चोज नॉट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू गाइज, क्योंकि ऑलरेडी एक पैनिक बटन दबा हुआ था। एक तो मार्केट का ये हालत, ऊपर से इंडिया का क्रिप्टो करेंसी बिल, तो मैंने सोचा था चलो ये बैड न्यूज मैं शेयर ना ही करूं तो क्या ही चला जाएगा, एंड ऊपर से मेरे पास कोई कॉन्क्रीट सबूत भी नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बट टूडे फाइनली आई हैव अ कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट्स टू शो इट टू ऑल ऑफ यू कि ये वाला हैकिंग के चलते जिसका 200 मिलियन का हैकिंग हुआ है, बिटमार्ट नाम का जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, यही 200 मिलियन हैकिंग के चलते मार्केट का जो डाउनफॉल है उसका 70% क्रेडिट ये हैकर्स को जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसने हैक किया। 2nd of December को ये हैकिंग सीन हुआ था, उसके बाद 3rd, 4th एंड 5th
कंटिन्यूअसली ये हैकर्स सारे के सारे कॉइन्स जो भी इसने हैक किया था, जो भी इसने लूटा था, शिबा से स्टार्ट करके सेफ मून, फ्लोकी, डॉग इलॉन, अच्छा कॉइन्स लाइक फैंटम, हीरो, मैटिक, ऐसा सारे के सारे कॉइन्स इसने एक के बाद एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू, इथेरियम के थ्रू 100 मिलियन, बाइनेंस स्मार्ट चेन के थ्रू 96 मिलियन का सेल ऑफ किया है विद इन दिस 3 डेज. And not only this, ये सारे के सारे altcoins के साथ including 2.1k Bitcoin, check this out, 2078 BTC and IBTC 30, जिसका price था respectively 56,000 and 57,000, जो top में था price, साथ ही साथ 151 Ethereum, जब Ethereum के price $4,570 था. In total, $120.3 million का sale off हुआ है on 3rd of December. ये सारे के सारे इतना गंदा वाला sale off के चलते market का इतना बुरा हालत हुआ है. Remember, 2.1k number of Bitcoin. Market को दोष मत दिया करो. पीछे का राज जब जानोगे ना, just imagine 2.1k, जिन लोगों के अकाउंट से ये चोरी हुआ है उन लोगों का क्या हालत है. हम लोग तो चलो अपना पोर्टफोलियो का फिर भी 50-70% अभी भी देख पा रहा है, उन लोगों का तो पूरा पूरा खाली हो गया. And always, as I say, keep your faith and keep your belief always positive. See, last वाला जो candle green था, वो वाला actually end up being a green candle. And साथ ही साथ और एक candle already ऊपर गया था, लेकिन rejection के कारण नीचे आ गया है. साथ ही साथ I still believe कि Bitcoin अभी भी it still can reach $80,000 as per my own analysis. Let me show you to that one day candlestick chart जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. ये वाला जो big triangle chart पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला triangle I still believe कि हम लोग ये वाला triangle पे एक successful support, एक successful retest के बाद we can reach at $80,000 in this bull cycle. I still believe, I still kept my belief, I still kept my faith and head high. Now let me show you the real truth behind this market crash. Remember, till 1st of December, the total market cap tha, which was $2.7 trillion. Everything was aligned. Breakout, retest and hum log upar jai rahe the. Look at this daily candlestick. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 daily candlestick green back to back. Hum log upar ke taraf jai rahe the. Jahan pe hum log expect kar rahe the. $1 trillion ka investment. And क्या हम लोगों को मिला $1 trillion का सेल ऑफ फ्रॉम 2.7 trillion से $1.8 trillion. एंड आई डोंट बाय दिस शिट कि 200 मिलियन का हैकिंग से ये हो सकता है. जब ये 200 मिलियन का हैकिंग हुआ था तब बिटमार्ट वाले भी ये सोच रहा था कि नॉर्मल डेली सेल ऑफ है, क्योंकि रिमेम्बर इतना बड़ा मार्केट में 200 मिलियन का सेल ऑफ होना कोई भी बड़े बात नहीं है. बट जो 200 मिलियन के साथ सारे के सारे मिलके जो सेल ऑफ किया है, जिसका कोई पेन एंड पेपर में उतना कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, उन लोगों का क्या. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू फिगर, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो इट टू यू गाइस. 200 मिलियन से कुछ नहीं जाता था अगर सारे के सारे उन 200 मिलियन के साथ और अपना एड ऑन नहीं करता तो. सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर पोजिशन, या फिर आप जिन लोगों को फॉलो करते हो उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा फेथ रखो, क्योंकि वो लोग भी अपना सब कुछ वही मार्केट पे डाल के रखा है. वो लोग भी नहीं चाहेगा अपना सारे के सारे पैसा खो दे. एंड सीरियसली आई डोंट गेट इट, लॉस में बेच के क्या मिलता है भाई. मेरे पास तो अगर 70% भी पोर्टफोलियो लूज हो जाए मैं तब भी नहीं बेचूंगा. मैं उल्टा एक साल और वेट करूंगा अपना गेन्स वापस लेने के लिए, लेकिन मैं सेल नहीं करूंगा. रिमेम्बर द मोमेंट यू आर क्लिकिंग ऑन दैट सेल बटन यू विल लूज योर मनी, अनलेस यू हैव योर मनी इन योर अकाउंट, कहीं पे नहीं जा रहा है, क्योंकि विच गोज अप मस्ट कम डाउन, सेम वे विच गोज डाउन मस्ट बम्प्स बैक. So anyway guys, that's it from my side. I hope I have made myself clear to all of you. Next time से थोड़ा सा अपने ऊपर faith रखना. 10 जन अगर जो कर रहा है आप अगर वही same कर रहे हो तो आप में and उनमें से क्या difference रह गया है. So what I believe, time लाएगा लेकिन वापस जरूर आएगा. So that's it from my side guys. If you want to stay in touch with us through Telegram and Twitter, you'll get all these links down below in video description. Check those links and be a part of our community. So bahut jaldi milte hain next update ke saath. Till then, have a great day. Dev signing off.